सफल सोच का सफल जादू। अध्याय 9, लीडरशिप द्वारा सफलता पाने के 5 विश्वसनीय कदम। यह रहा एक आश्चर्यजनक तथ्य, आज के 83% मिलेनियर निम्न या मध्यम आय वाले परिवारों में पैदा हुए थे। कल्पना कीजिए, अधिकांश सफल कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव, उद्यमी, वकील, डॉक्टर, अभिनेता, संसद या विधानसभा सदस्य, अधिकांश शीर्षत लोगों ने महानता अर्जित की। लीडरशिप बाजार में नहीं बिकती, इसे विरासत में, किस्मत से या विवाह द्वारा हासिल नहीं किया जा सकता। और अगर शिक्षा का लीडरशिप से कोई संबंध होता भी है तो बहुत कम होता है, परंतु लगातार जुटे रहकर लीडरशिप विकसित की जा सकती है। यह अध्याय 5 आसान और प्रैक्टिकल कदम बताएगा जिनका आप तत्काल इस्तेमाल कर सकते हैं। उत्कृष्ट सोच रखें, विजयी उदाहरण प्रस्तुत करें, बोलें, दूसरे लोगों को अपनी मदद करने दें और जोखिम लें और प्रशंसा हासिल करें। कदम 1, अपने हर काम में औसत सोच के बजाय उत्कृष्ट सोच रखें। मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक बताने जा रहा हूं, एक ऐसा सिद्धांत जो सफलता, दौलत और सुख हासिल करने में आपकी मदद करेगा। इस महत्वपूर्ण अवधारणा को समझने के लिए आप अपने मन में यह खेल खेलें। कल्पना कीजिए कि आप अभी अभी एक कमर्शियल हवाई जहाज पर चढ़े हैं। आप बैठते हैं, अपनी सीट का बेल्ट बांधते हैं और आराम से बैठ जाते हैं। तभी उड़ान भरने से पहले आप सुनते हैं कि कप्तान अपने सहयोगियों से कह रहा है, देखो इस उड़ान को लेकर मैं आशंकित हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं इस हवाई जहाज को बहुत अच्छी तरह से उड़ा सकता हूँ। मैं सिर्फ एक औसत पायलट हूँ। आप क्या करेंगे? संभावना इस बात की है कि आप जितनी जल्दी हो सके तत्काल हवाई जहाज से उतर जाएंगे। आप जानबूझकर अपने जीवन को किसी औसत पायलट के भरोसे नहीं छोड़ेंगे। अब इस खेल को एक कदम आगे ले जाएं। मान लीजिए आप किसी अस्पताल में हैं, जहां आपके ऑपरेशन की तैयारी चल रही है। जब एनेस्थीसिया का असर हो रहा हो, तब आप सुनते हैं कि मुख्य सर्जन अपने सहयोगियों से कह रहा है, मुझे विश्वास नहीं है कि मैं यह ऑपरेशन कर सकूंगा। कई बार मैं अच्छे ऑपरेशन करता हूं, परंतु कई बार मैं बहुत ही घटिया ऑपरेशन करता हूं। देखिए, मैं सिर्फ एक औसत सर्जन हूं। अगर संभव होगा तो आप तत्काल ऑपरेशन टेबल से नीचे उतर जाएंगे। यह है कि जीवन और मौत के मामलों में आप अपने जीवन को औसत लोगों के हाथ में नहीं छोड़ना चाहेंगे, और चाहे आपका जीवन दांव पर न भी हो तो भी आप यह नहीं चाहेंगे कि जीवन में औसत लोगों से आपका कोई संबंध हो। इन सवालों का जवाब दें, क्या आपकी पत्नी या पति औसत जीवन साथी चाहती या चाहते हैं? जाहिर है नहीं। आपका जीवन साथी आपसे प्रेम करना चाहता है, आपके बारे में डिंगे हांकना चाहता है, आपके बारे में क्षमा याचना नहीं करना चाहता। क्या आपके बच्चे एक औसत पिता चाहते हैं? एक बार फिर नहीं। आप अपने बच्चों के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। अगर बच्चा यह सोचता है कि मेरे मम्मी डैडी साधारण और औसत है, तो यह एक तरह से बच्चे को सजा देना है। क्या आपके कर्मचारी किसी औसत मैनेजर के लिए काम करने में खुश होते हैं? नहीं। ऑफिस में आपके कर्मचारी हैं कि उनका बॉस महान है। अगर पिछले साल मेरी आमदनी औसत थी तो क्या मुझे संतुष्ट होना चाहिए? सच कहा जाए तो नहीं। औसत आमदनी आपको याद दिलाती है कि आप अभी बीच में हैं। काम करने वाले आधे लोग आपसे ज्यादा कमाते हैं। क्या मैं अपने आर्थिक मामलों के बारे में सलाह लेने के लिए किसी औसत सीपीए, वकील या आर्थिक सलाहकार को पसंद करूंगा? इस सवाल का जवाब है जोरदार ना। हम नहीं चाहते कि जो लोग हमारे पैसे को मैनेज करने में हमारी मदद करते हैं वे सिर्फ औसत हों। मैंने औसत की यह सर्वश्रेष्ठ परिभाषा सुनी है, जो आपको बताती है कि औसत होना कितना बुरा होता है। औसत सर्वश्रेष्ठ में निकृष्टतम और निकृष्ट में सर्वश्रेष्ठ होता है। औसत की अवधारणा में सर्वश्रेष्ठ या महानता सुझाने वाली कोई चीज नहीं होती। औसत का अर्थ है सिर्फ ठीक ठाक, साधारण, काम चलाऊ
या मुश्किल से स्वीकारने योग्य है। हम उत्कृष्टता की परिभाषा इस तरह देते हैं, वह गुण जो सफलता पाने वाले लोग अपने हर काम में चाहते हैं, लगभग आदर्श, असामान्य अच्छा और सर्वश्रेष्ठ संभव। औसत सोच लोगों को पीछे रोक कर रखता है, क्योंकि इसमें उन्हें सुरक्षा और आराम का अनुभव होता है। विद्यार्थी सुरक्षित अनुभव करते हैं जब वे यह कह सकें, मेरे नंबर औसत आए हैं इसलिए मैं ठीक ठाक हूँ। कारखाने के मैनेजर आरामदेह महसूस करते हैं जब वे यह रिपोर्ट देते हैं, हमारी उत्पादकता उद्योग की औसत उत्पादकता के बराबर है। और कई सेल्स मैनेजर सोचते हैं कि अगर उन्होंने अपने सेल्स के लक्ष्य को पूरा कर लिया है तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उत्कृष्टता लक्ष्यों के आगे जाना है, आवश्यकता से बेहतर सेवा देना है। जब चाहे हम चाहे जो कर रहे होना है, चाहे हम नौकरी कर रहे हों, बच्चे पाल रहे हों, खेल रहे हों या दूसरों को मैनेज कर रहे हों, हर क्षेत्र में प्रोफेशनल लोग उत्कृष्टता के लिए प्रयास करते हैं। और अगर परिणाम कम उत्कृष्ट होते हैं तो वे रचनात्मक रूप से स्वयं से दुखी होते हैं। जो कोच उतने ही मैच हारता है जितने वह जीतता है, अपने प्रदर्शन से दुखी होता है। इसी तरह से मनोरंजन करने वाला हर वह व्यक्ति भी दुखी होता है जिसे सिर्फ थोड़ी सी तालियां मिलती है, और वह मैनेजर भी दुख से असंतुष्ट होता है जो पिछले साल से बेहतर परिणाम नहीं दे पाता। देखिए, प्रोफेशनल व्यक्ति उत्कृष्टता को लेकर प्रतिबद्ध होता है। जीवन में विजेता इस पुरानी कहावत की बुद्धिमानी पर अमल करते हैं, अगर कोई काम करने काबिल है तो वह अच्छी तरह से करने काबिल है। बहुत से तथाकथित कारण दिए गए हैं जिनसे यह समझाया गया है कि पिछले 20 सालों में मुक्त संसार के अन्य देशों की तुलना में अमेरिका में उत्पादकता क्यों कम हुई। इन कारणों में शामिल है कार्य नैतिकता में कमी, ऊर्जा की अधिक लागत, कल्याण का तंत्र, ऊंची ब्याज दरें, विदेशी प्रतियोगिता इत्यादि। परंतु यह बहाने दरअसल यह नहीं समझा पाते कि लाखों कंपनियां क्यों दिवालिया हुई, करोड़ों लोग क्यों बेरोजगार हैं और समाज का एक बड़ा हिस्सा हताशा तथा मोह भंग के दौर से क्यों गुजर रहा है। आर्थिक उथल पुथल और इसकी वजह से उत्पन्न होने वाली सामाजिक समस्याओं के पीछे असली कारण है उत्कृष्ट सोच के बजाय औसत सोच के प्रति हमारा राष्ट्रीय प्रेम। औसत सोच के प्रमाण हर जगह है, इन उदाहरणों को देखें। उत्पादन कर्मचारी, यूनियन के समझौते में 6 यूनिट प्रति घंटे लिखा है, मैं इतना ही उत्पादन करता हूँ, हिसाब से जरूरी है तो यूनियन का बॉस मुझे पसंद करता है। अफसर, मैं अपने काम में सुरक्षित हूँ, मुझसे जितने न्यूनतम की उम्मीद की जाती है मैं उससे ज्यादा क्यों करूँ। एग्जीक्यूटिव, मेरा साल अच्छा रहा, हमने उद्योग के औसत लाभ की बराबरी कर ली। विद्यार्थी, मुझे पिछले तिमाही में सी यानी एवरेज ग्रेड मिला, यह बुरा नहीं है क्योंकि इसका मतलब है कि मैं पास हो गया। बहुत कम लोग अपने काम में अतिरिक्त प्रयास करते हैं, इससे यह समझने में मदद मिलती है कि बहुत कम लोग अच्छे जीवन का असली आनंद क्यों नहीं ले पाते। साहस दिखाओ, उत्कृष्ट सोचो। आप उन लोगों को जानते होंगे जो औसत स्थिति में इसलिए शरण लेते हैं क्योंकि उन्हें प्रतियोगिता करने में डर लगता है। वे लोग तर्क देते हैं, मेरी वर्तमान नौकरी में मैं हर एक के लगभग बराबर हूँ, अगर मैं इस सुरक्षित जगह को छोड़ूंगा तो हो सकता है मेरी उपलब्धियां इससे भी कम हो और औसत होने के बजाय मैं औसत से भी कम काम कर पाऊं या बिल्कुल ही असफल हो जाऊं। मैं यह समझा दूं कि ज्यादा बड़े या चुनौतीपूर्ण काम का डर किस तरह काम करता है। मैं आर लेसी को बहुत कुशाग्र विद्यार्थी के रूप में जानता हूँ। वह एक स्टेट यूनिवर्सिटी में गया जहाँ उसने टीवी और रेडियो कम्युनिकेशन में विशेषज्ञता हासिल की। ग्रेजुएशन के बाद लेसली के पास बहुत से टीवी स्टेशनों से नौकरी के प्रस्ताव आए। उसने अपने गृह नगर के प्रस्ताव को स्वीकार किया जिसकी आबादी 75,000 थी। मैं लेसली से 25 साल बाद मिला। जब मैं उसके शहर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भाषण देने गया, मैंने उससे 1 घंटे तक बातें की। उसने मुझे बताया कि सुरक्षित परंतु औसत करियर में जाने की वजह से वह कितना असंतुष्ट था। लेसली ने कहा, आप जानते हैं जब मैंने अपने गृह परंतु मैं कि सुरक्षित
परंतु औसत करियर में जाने की वजह से वह कितना असंतुष्ट था। लेस्ली ने कहा, आप जानते हैं, जब मैंने अपने गृहनगर के स्टेशन में नौकरी शुरू की तो उसके कुछ साल बाद तक मेरे पास कई स्टेशनों से नौकरी के प्रस्ताव आए जहां तनख्वाह बेहतर थी और नौकरी अधिक प्रतिष्ठित थी, परंतु मैंने हमेशा उन्हें ठुकरा दिया। मैंने पूछा, क्यों? मेरे पास बहुत से कारण थे, लेस्ली ने जवाब दिया। मुझे लगता था कि किसी बड़ी नौकरी करने से पहले मुझे अधिक अनुभव की जरूरत थी, या मैं कई तरह के काम करना पसंद करता था, समाचार पढ़ना, खेल का कवरेज करना, मौसम के हाल सुनाना, परंतु पीछे मुड़कर देखने पर मैं यह स्वीकार करना चाहता हूं कि ये सब बहाने थे। अब जबकि मेरी उम्र अधिक हो गई है और मेरा अधिकांश टीवी करियर बीत चुका है, तो मैं यह बताना चाहूंगा कि जिस कारण से मैंने उन अच्छे प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया, वह असली कारण था मेरा डर। मैं जानता था कि यहां पर अपने काम में मैं खासा अच्छा था, परंतु मैं बुरी तरह डरा हुआ था कि शायद मैं अधिक रफ्तार और अधिक काम वाले माहौल में सफल नहीं हो पाऊंगा। सर्वश्रेष्ठ स्टेशनों में नौकरी बनाए रखने के लिए आपको सचमुच श्रेष्ठ होना चाहिए, परंतु मैं उन लोगों में से हूं जो यह सोचते हैं कि वे सिर्फ औसत है। इसलिए मैंने सुरक्षित तरीके से खेला और यही बना रहा। मुझे अपने आत्मविश्वास की कमी पर बहुत अफसोस होता है, लेस्ली ने आगे कहा। मेरा यकीन करें, सबसे दुखद शब्द सचमुच यही है, यह हो सकता था। मैं लेस्ली जैसे एक सर्जन को जानता हूं जो प्रतिभाशाली था, परंतु वह देश के कई अच्छे अस्पतालों में प्रैक्टिस करने से बचता रहा, क्योंकि वह मैं सिर्फ औसत हूं कि घातक बीमारी के कारण मनोवैज्ञानिक रूप से पंगु हो गया था। देश भर में यात्रा करने के दौरान मिले जिन्हें शोहरत और दौलत मिल सकती थी, ऐसे लोग मिले जो अपने खुद के बिजनेस में सफल हो सकते थे, ऐसे मैनेजर मिले जो CEO बन सकते थे, और ऐसे उत्कृष्ट प्रोफेसर मिले जिन्होंने अपनी रोशनी को झाड़ी के पीछे छुपाकर रखा हुआ था। और यह सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वे सब इस सोच के जाल में फंसे हुए थे, मैं सिर्फ औसत हूं। सबक यह है, हमारी सोच ही हमें नियंत्रित करती है। जीवन का सर्वश्रेष्ठ आनंद लेने के लिए अपने कामों को औसत सोच द्वारा नियंत्रित न होने दें। स्वयं से प्रतियोगिता करें, उत्कृष्ट सोचें। दोषदर्शी लोग हमें बताते हैं कि ईश्वर को आम या औसत लोगों से प्रेम होगा, क्योंकि उसने ज्यादातर लोगों को ऐसा ही बनाया है, परंतु सफलता चाहने वाले और सकारात्मक मानसिकता वाले लोग कहते हैं कि ईश्वर औसत लोगों को पसंद नहीं करता, क्योंकि उसको किसी न किसी तरह अनूठा और खास बनाया है। क्योंकि हर व्यक्ति अनूठा है, इसलिए हर व्यक्ति किसी न किसी क्षेत्र में विश्व चैंपियन बनने के लिए गढ़ा गया है। उत्कृष्ट सोच वालों को पुरस्कार दें, औसत सोच वालों को हटा दें। पिछली मंदी के सबसे निचले बिंदु के दौरान मैंने शिकागो की हवाई यात्रा से पहले लॉस एंजलिस हवाई अड्डे पर लंच किया। रेस्तरा में सर्विस बहुत बुरी थी, वेटर एसिस्ट फूहड़ और अपमानजनक व्यवहार कर रही थी। वह मेरे लिए ऐसी चीज ले आई जिसका मैंने ऑर्डर नहीं दिया था। उसने मुझे गुस्से से घूरा और मुझे यह एहसास दिलाया कि मैं उसके जीवन को मुश्किलों से भर रहा था। जब वह मेरा बिल लेकर आई, उस समय भी वह बिल्कुल खुश नहीं दिख रही थी। उसने अपनी आवाज में बर्फ भरकर कहा, मुझे 20% टिप की उम्मीद है। जब मैं बाहर निकला और अपना बिल चुकाया, तो मैंने मैनेजर से कहा, आपने उस वेटर को काम पर क्यों रखा हुआ है? लॉस एंजलिस में 1,00,000 लोग बेरोजगार हैं, क्या आपको उससे अच्छी वेटर नहीं मिल सकती? गुस्से में मैं बिना जवाब सुने बाहर निकल आया और अपने हवाई जहाज की तरफ चल दिया। हवाई जहाज में मेरे चढ़ने के कुछ समय बाद ही मेरा पड़ोसी यात्री भी आ गया। कुछ मिनट बाद वह मुझसे बोला, मैंने देखा कि रेस्तरा में क्या हुआ था और मैंने मैनेजर से आपकी बातें भी सुनी। मैं आपसे सहमत हूँ, मुझे भी उसी वेटर ने खाना परोसा था और वह उतनी ही खराब सर्विस कर रही थी जितनी की संभव थी। परंतु मैं आपकी इस बात को नहीं समझ पाया कि लॉस एंजलिस में 1,00,000 लोग बेरोजगार हैं, इसके बाद भी इस वेटर के पास नौकरी क्यों है? शायद वह सीनियर हो, या शायद उसे अपने 2 बच्चे पालने हो और उसका पति न हो, या उसका पति बेरोजगार हो। मैं जवाब देने से खुद को रोक नहीं पाया और मैंने अपने सहयात्री ने कहा,
मुझे यह समझ में नहीं आया कि मंदी में क्या अच्छाई हो सकती है। मैं शिकागो में कैटलॉग हाउस चलाता हूँ और मंदी से जुड़ी हर चीज़ से मेरे बिजनेस को नुकसान पहुँचा है। ऐसे समय में कोई अच्छी चीज़ हो ही नहीं सकती। अगर आपको उसमें कोई लाभ दिखे जिसे हम शिकागो में मंदी कहते हैं तो मुझे बता दें। मैंने कहना शुरू किया, देखिए मेरा एक व्यवसाय दक्षिण पूर्व में पाइन वृक्षों को बड़ा करना है। लगभग हर दशक में एक बार बुरा बर्फीला तूफान आता है। बर्फीले तूफान का नकारात्मक पहलू यह है कि बिजली के तार टूट जाते हैं, सड़कों पर बर्फ जमा हो जाती है, कुछ परिवारों को दो एक दिन बिना बिजली के रहना पड़ता है और भी इसी तरह के कई कष्ट होते हैं। परंतु सकारात्मक पहलू से देखा जाए तो बर्फ वृक्षों को छांटने का काम करती है। मरे हुए या बीमार पेड़ गिर जाते हैं और बाकी पेड़ों के कमजोर मरे हुए या बीमार पेड़ गिर जाते हैं और बाकी पेड़ों के कमजोर अंग टूट जाते हैं। कुल परिणाम यह होता है कि जब बर्फ पिघल जाती है तो वृक्ष उगाने वाले किसानों के पास अधिक स्वस्थ जंगल होते हैं। मैं यह बात समझ सकता हूँ, मेरे सहयात्री ने कहा, परंतु इस उदाहरण का आर्थिक मंदी से क्या संबंध है? मैंने इस व्यक्ति से कहा, मुझे स्पष्ट करने दे। बर्फ के तूफान की तरह मंदी भी संगठन को छांटने का अवसर देती है, उन लोगों को हटाना जो अपने हिस्से का वजन नहीं उठा रहे हैं। मेरे मित्र ने बीच में कहा, मेरी कंपनी में 300 कर्मचारी हैं और मैं उनमें से 50 को हर महीने के अंत में निकाल रहा हूं, परंतु मैं सीनियोरिटी या वरिष्ठता को इस बात का पैमाना बना रहा हूं कि उनमें से कौन रुके और कौन बाहर जाए। मैं बोला, अगर आपकी कंपनी है और आप जो कदम उठाना चाहते हैं उठा सकते हैं, परंतु अगर आप चाहते हैं कि मंदी के बाद आपके पास अधिक परंतु अगर आप चाहते हैं कि मंदी के बाद आपके पास अधिक दृढ़, अधिक स्वस्थ और अधिक सफल संगठन हो, तो आपको वर्तमान परिस्थितियों का प्रयोग इस तरह करना चाहिए कि आपके कमजोर कर्मचारी छंट जाएं। लोगों को नौकरी से निकालने में किसी को खुशी नहीं होती, परंतु जब आपके पास विकल्प न हो तो यह स्मार्ट तरीका है कि अपने सबसे उत्पादक कर्मचारियों को रखा जाए। 6 महीने बाद मेरे पास उस सहयात्री का फोन आया। काफी सोच विचार के बाद उसने यह फैसला किया कि सीनियरिटी के बजाय काम के आधार पर कर्मचारियों को हटाया जाए। उसने कहा कि यह एक मुश्किल निर्णय था, परंतु यह निर्णय सही भी था। आपको याद होगा कि मुझे 50 लोगों को हटाना था, उसने स्पष्ट किया, परंतु आश्चर्यजनक बात यह है कि अब हम 250 कर्मचारियों के साथ भी उतना ही काम कर रहे हैं जितना हम पहले 300 कर्मचारियों के साथ करते थे। मैंने एक बड़ा सबक सीखा। कल जब आप ऑफिस या पोस्ट ऑफिस में जाएं, तो 1 मिनट रुकें और खुद से पूछें कि अगर संगठन औसत काम चलाऊ मुझे परवाह नहीं के नजरिए वाले कर्मचारियों को सहन करना बंद कर दे तो सेवाएं और सामान कितने अधिक प्रभावी और कम महंगे हो जाएंगे। सबक, उन लोगों पर दांव लगाएं जो उत्कृष्टता चाहते हैं, उन लोगों पर नहीं जो दोयम दर्जे का काम करते हैं। याद रखें, औसत निकृष्ट में सर्वश्रेष्ठ है और सर्वश्रेष्ठ में निकृष्टतम है। जब आप बेहतर, अधिक समृद्ध और अधिक संतोषजनक जीवन बनाने का प्रयास करें तो इन 3 बातों का ध्यान रखें। पहली, अपने हर काम में उत्कृष्टता का प्रयास करें। पुरानी कहावत की बुद्धिमता को ध्यान में रखें, अगर कोई काम करने काबिल है तो वह अच्छी तरह से करने काबिल है। हर काम महत्वपूर्ण होता है और उसे सर्वश्रेष्ठ तरीके से किया जाना चाहिए। याद रखें, बातों का ध्यान रखें। पहली, अपने हर काम में उत्कृष्टता का प्रयास करें। पुरानी कहावत की बुद्धिमता को ध्यान में रखें, अगर कोई काम करने काबिल है तो वह अच्छी तरह से करने काबिल है। हर काम महत्वपूर्ण होता है और उसे सर्वश्रेष्ठ तरीके से किया जाना चाहिए। याद रखें, जब आप उत्कृष्ट कर्मचारी होते हैं तो आप ज्यादा पैसे कमाते हैं और आपको अधिक संतुष्टि भी मिलती है, जो उस सच्ची दौलत का स्रोत है जिसे आप चाहते हैं। दूसरी बात, औसत सोच से नफरत करें। औसत सोच कभी आपके सपने साकार करने में आपकी मदद नहीं करेगी। कोई भी बच्चा यह कहना पसंद नहीं करता, मेरे डैडी एक औसत डैडी हैं। कोई बॉस अपने सीनियर से यह नहीं कहना चाहता, जिम सिर्फ एक औसत सेल्समैन है। और अगर आप औसत व्यक्ति की तरह दिखेंगे, सोचेंगे, बात करेंगे और काम करेंगे तो कोई भी आपके बारे में यह कभी नहीं जान पाएंगे
कि आप में कितना दम है। औसत लोग दूसरों का साथ चाहते हैं, उन्हें यह देखने में बड़ा मजा आता है कि दूसरे लोग भी गिरकर उनके स्तर पर आ गए हैं। उन्हें इस दुष्ट आनंद से वंचित रखें। अपने औसत सहयोगियों को इस बात की इजाजत न दें कि वे आपको नीचे खींचकर अपने प्रदर्शन के स्तर तक ले आएं। विजेताओं से सलाह लें, अपने व्यवहार को सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों के व्यवहार के अनुरूप ढालें, उत्कृष्टता की तरफ कदम बढ़ाएं और पुरस्कारों का आनंद लें। कदम दो, विजयी उदाहरण सामने रखें। अगर आप किसी से पूछेंगे आपने भाषा बोलना कैसे सीखा, तो उसका जवाब शायद यह होगा, अपने माता पिता से। परंतु माता पिता तो सिर्फ स्रोत हैं, वह माध्यम नहीं है जिसके द्वारा हम बोलना सीखते हैं। सीधे से कहा जाए तो हम दूसरों की नकल करके बोलना सीखते हैं। इस बात की काफ़ी संभावना है कि आपके जो दोस्त कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, यहूदी या बौद्ध धर्म अनुयायी या मुसलमान हैं, उनके माता पिता भी उसी धर्म के होंगे। हम में से अधिकांश लोगों के राजनीतिक विश्वास भी अपने माता पिता की तरह ही होते हैं। ज़्यादातर लोग धर्म, राजनीति, अर्थशास्त्र, विवाह, अनुशासन, नौकरी और सेक्स के बारे में अपना नज़रिया अपने माता पिता, शिक्षकों, सुपीरियर और साथियों के उदाहरण की नकल करके बनाते हैं। लीडरशिप का अर्थ है उदाहरण प्रस्तुत करना। समय के साथ साथ लीडर की फिलॉसफी और आदतें अनुयायियों की फिलॉसफी और आदतें बन जाती हैं। किसी व्यक्ति का कम से कम 90% व्यवहार उन उदाहरणों द्वारा निर्धारित होता है जिनकी नकल करके उसने दूसरों से सीखा है। इसलिए सही उदाहरण पेश करना सफल। अपना रोल मॉडल सावधानी से चुने। एक एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव ने मुझे एक अनुभव बताया जिसने उसे लोगों के साथ सही व्यवहार करना सिखाया। मैं उस वक्त 22 साल का था और कॉलेज से निकला ही था। उसी समय मैंने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। मुझे एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में अकाउंट एग्जीक्यूटिव के सहयोगी की नौकरी मिल गई। मेरा बॉस बिल तुनक मिजाजी था। वह कलाकारों, कॉपीराइटर्स और अन्य रचनात्मक लोगों को ज़्यादा देर तक सहन नहीं कर पाता था। वह उन्हें फटकारता था, अक्सर उनके विचारों की खिल्ली उड़ाता था और उन्हें नीचा दिखाता था। यह मेरी पहली नौकरी थी। लोगों के साथ उसके व्यवहार के तरीके को मैं पसंद नहीं करता था, परंतु मैंने सोचा कि शायद यही सही तरीका होगा। आखिर वह अकाउंट एग्जीक्यूटिव था और उसका तरीका सही होना चाहिए। एक शुक्रवार को मैं एजेंसी के काम से ऑफिस से बाहर गया। ऑफिस लौटने पर मुझे यह संदेश मिलूं। मिस्टर कैबेल सीधे मुद्दे की बात पर आ गए। फिलिप्स, हमने बिल को हटा दिया है। मिस्टर कैम्बेल ने इसका एकमात्र कारण यही बताया कि बिल को रचनात्मक लोगों से सहयोग प्राप्त करने में मुश्किल आ रही थी। फिर मिस्टर कैम्बेल ने कहा, आपकी नौकरी यथावत रहेगी और अब जैक ब्राउन आपके बॉस होंगे। मैंने पाया कि जैक बिल से बिल्कुल विपरीत था। जैक रचनात्मक लोगों को यह अनुभव कराते थे कि वे महत्वपूर्ण हैं और उन्हें उनकी जरूरत है। वे विनम्र और सहिष्णु थे। हमने एक के बाद एक सफल अभियान चलाए और काफ़ी सफलताएं हासिल की। मैं अक्सर सोचता हूं, मेरे दोस्त ने सोचते हुए कहा, कि अगर मैं 1-2 साल तक बिल के अधीन काम करता तो मेरा न जाने क्या होता। मैं युवा और अनुभवहीन था और कोरे कागज़ की तरह था। अगर मैंने बिल की आदतें सीख ली होती तो शायद मैं असफल हो गया होता, परंतु ऐसा लगता है जैसे कि मेरा ध्यान रख रही थी। इसलिए मुझे जैक के साथ काम करने का अवसर मिला। वह मेरा रोल मॉडल बन गया और इससे मुझे सचमुच बहुत फायदा हुआ। मेरे मित्र का अनुभव हमें 2 बड़े सबक सिखाता है। पहला, जब आप सीढ़ी पर ऊपर चढ़ें तो खुद से पूछते रहें, क्या मैं अपने अधीनस्थों के लिए अच्छा या सकारात्मक उदाहरण पेश कर रहा हूं? याद रखें, कंपनी की संपत्ति और धन को उसी तरह से उपयोग में लाएं जिस तरह आप अपनी संपत्ति और धन को लाते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके कर्मचारी भी ऐसा ही करेंगे। जब आप अपना 100% प्रयास करेंगे तो आपके अनुयायी भी ऐसा ही करेंगे। जब आप अपनी कंपनी के बारे में अच्छा बोलेंगे तो आपके कर्मचारी भी ऐसा ही करेंगे। दूसरा, अपने व्यवहार के लिए सही रोल मॉडल चुनें। किसी नौकरी को करने से पहले खुद से पूछें, अगर मैं अपने बॉस की आदतें सीख लूं, उनके नज़रिए को अपना लूं, तो क्या मैं आपके बच्चे सही उदाहरण सीखें?
पिछले साल देश के कई हिस्सों में शिक्षकों ने हड़ताल की। उनमें से कुछ नकारात्मक और कटु थे। शिक्षक तख्तियां उठाए थे जिन पर इस तरह के संदेश लिखे थे, स्कूल बोर्ड को फांसी पर लटका दो, हम आपके बच्चों की देखभाल करते हैं, हमें ज्यादा पैसे दो और शिक्षकों का शोषण बंद करो। शिक्षकों के इस आंदोलन से मैं चिंता में पड़ गया। शिक्षा को बच्चों को जो प्रमुख सिद्धांत सिखाना चाहिए उनमें से एक है सत्ता का सम्मान करना। हड़ताल करने वाले शिक्षकों ने स्कूल बोर्ड की सत्ता की जिस तरह पूर्ण अवहेलना की उसने विद्यार्थियों के मन पर एक अमिट छाप छोड़ी होगी। अब विद्यार्थी सत्ता का सम्मान क्यों करेंगे जब वे लोग जिनके प्रति उनका सम्मान होना चाहिए यानी कि शिक्षक इस पर उंगलियां उठाते हैं। एक जिले में हड़ताल एक महीने से ज्यादा समय से चल रही थी। वहां रहने वाली एक माँ ने अपनी समस्या के बारे में मुझसे बात की। मैं सकते हैं, मेरे पति और मैं सचमुच परेशान हैं। हमारे दो बच्चे शिक्षा से वंचित हैं, यह ठीक नहीं है। मैंने जवाब दिया, मैं आपकी इस बात से तो सहमत हूँ कि यह ठीक नहीं है, परंतु आप इस बारे में कुछ करती क्यों नहीं? आप उन्हें प्राइवेट स्कूल में क्यों नहीं भेजती? हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? जिम और मैंने इस बारे में विचार किया था, परंतु हम प्राइवेट स्कूल का खर्च नहीं उठा सकते। इसके अलावा हम स्कूल टैक्स भी तो दे रहे हैं। मेरा जवाब सीधा और तत्काल था, मैं जानता हूं कि इससे आप पर आर्थिक दबाव पड़ेगा और यह उचित नहीं है कि आप प्राइवेट तथा सरकारी दोनों स्कूलों को पैसे दें, परंतु अपने बच्चों को सर्वश्रेष्ठ शिक्षा दिलवाना आपका कर्तव्य है। अपनी एक कार बेच दें, अपने घर को दोबारा फाइनेंस करवा लें, सस्ता भोजन कर लें, चाहे आपको कुछ भी करना पड़े, परंतु अपने बच्चों को किसी ऐसे स्कूल में अवश्य भिजवाइए जहां के शिक्षक अच्छा उदाहरण पेश करें। मैंने यह ऐसे शिक्षक जिनकी मानसिकता इतनी घटिया थी कि वे पढ़ाने से सिर्फ इसलिए इनकार करते थे क्योंकि उनकी तनख्वाहें थोड़ी कम थी। मैंने अपनी मित्र को याद दिलाया कि अगर शिक्षक तनख्वाह के मुद्दे पर इतनी नकारात्मक भावनाएं रख सकते हैं तो वे आपके बच्चों के सामने कितने अन्य दुखद उदाहरण पेश कर रहे होंगे। शिक्षकों को ज्यादा तनख्वाह देने से हमारे पब्लिक स्कूल सिस्टम की समस्याएं कभी नहीं सुलझेंगी। समाधान यह है कि उन्हीं को शिक्षक बनाया जाए जो बच्चों को सिखाने के प्रति समर्पित हो। पादरी की तरह ही शिक्षक बनने का आकर्षण आर्थिक पुरस्कार न तो कभी रहा है न ही कभी होना चाहिए। टीचिंग के व्यवसाय की तरफ उन्हीं लोगों को आकर्षित होना चाहिए जो युवा मस्तिष्कों का विकास करना चाहते हों और बच्चों में परिवार, समाज तथा देश के प्रति मूल्यों को विकसित करना चाहते हों। बात मेरे मित्र के दिमाग में बैठ गई। 3 दिन बाद उसके बच्चे एक प्राइवेट स्कूल में पुरानी कहते हों और बच्चों में परिवार, समाज तथा देश के प्रति मूल्यों को विकसित करना चाहते हों। बात मेरे मित्र के दिमाग में बैठ गई 3 दिन बाद उसके बच्चे एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने लगे। काम शब्दों से अधिक तेज बोलते हैं, यह पुरानी कहावत अभी अप्रासंगिक नहीं हुई है। चाहे हम जो करें, चाहे हम जिस तरह से व्यवहार करें, प्रतिक्रिया करें और परिस्थितियों का सामना करें, बच्चे हमारे कहे शब्दों के बजाय हमारे किए गए कामों से ज्यादा सीखते हैं। इन तथ्यों की तरफ ध्यान दें। आंकड़ों का प्रमाण पूरी तरह साबित कर देता है कि जिन बच्चों के माता पिता या दोनों में से एक शराबी होता है उनके साथ शराब संबंधी समस्या होने की संभावना ज्यादा है, बजाय उन बच्चों के जिनके माता पिता शराब नहीं पीते या बहुत कम पीते हैं। बच्चे जो देखते हैं वही करते हैं। जो माता पिता अपने बच्चों को पीटते हैं उन्हें उनके बचपन में पीटा गया था मानते हैं, तो बड़े होने पर वे यह तर्क देते हैं कि अब पीटने की उनकी बारी है। गरीबी में रहने वाले अधिकांश वयस्कों ने बचपन में गरीबी भोगी है। गरीबी में जीवन गुजारने वाले लाखों वयस्क, अमेरिकी इसे सामान्य मानते हैं, गरीबी का उदाहरण अक्सर गरीबी सिखा देता है। चर्च जाने वाले अधिकांश वयस्क अमेरिकी बचपन में भी चर्च जाते थे। इसका उल्टा भी सच है, चर्च न जाने वाले अधिकांश लोग बचपन में चर्च नहीं जाते थे। अपने बच्चों को छोड़ने वाले पिता आमतौर पर वे होते हैं जिनके पिता ने अपने बच्चों को छोड़ दिया था। जिन बच्चों के माता पिता लेबर यूनियन में विश्वास करते हैं और उसका समर्थन करते हैं वे बच्चे आमतौर पर यूनियन का समर्थन करेंगे, बजाय उन बच्चों के जिनके माता पिता कंपनी को अपना सच्चा हितैषी मानते हैं। किसी भी तरह से देख लें, चेतन या अचेतन रूप से माता पिता की आदतें, नजरिए और पूर्वाग्रह बच्चों के व्यवहार के मॉडल बन जाते हैं।
संदेश, आपके बच्चे का अधिकांश प्रशिक्षण उदाहरण द्वारा होता है, शब्दों द्वारा नहीं। इसलिए अपने उदाहरणों को सकारात्मक और रचनात्मक बनाइए। इसे इस तरह से देखें, आप बच्चे को अपने उदाहरण द्वारा चलना सिखाते हैं, आप अपने बच्चों को चम्मच, छुरी या कांटा पकड़ना सिखाते हैं, भाषण देकर नहीं बल्कि उदाहरण देकर। 4 साल के बच्चे को सीट बेल्ट बांधना सिखाने के लिए आप उसे सुरक्षा प्रभाषण नहीं देते बल्कि अपना सीट बेल्ट बांधकर दिखाते हैं। जब तक बच्चा 3 साल का होता है तब तक उसके अधिकांश जीवन की प्रोग्रामिंग हो चुकी होती है और इस प्रोग्रामिंग का शायद ही कोई हिस्सा उसके दिमाग में शब्दों द्वारा भरा जाता है। इस तरह दूसरे लोगों के उदाहरण हमारे जीवन को आकार देते हैं। हाल ही में मैंने देश की एक अग्रणी डिपार्टमेंटल स्टोर चेन के लिए भाषण दिया। यह मेरे लिए एक विशेष क्षण है। मेजबान को जानता था, आज वह कंपनी का चेयरमैन था, परंतु 25 साल पहले वह एक स्टॉक क्लर्क था जो अपने रिटेलिंग करियर की शुरुआत कर रहा था। मैंने अपने दोस्त से कहा, आप काफी दूर आ चुके हैं और आपको गर्व होना चाहिए कि आपने कितना कुछ किया है। मैं जानता हूं कि आप में इतनी क्षमता थी, परंतु आपने कुछ खास किया होगा, कुछ बहुत ही खास, जिसकी वजह से आप आज चेयरमैन के पद तक पहुंच गए। मेरा मित्र हंसा और उसने कहा, मैंने मैनेजमेंट के उन सिद्धांतों को अपनाया था जो मैंने आपसे सीखा था। इसने मुझे बाकी किसी भी चीज से अधिक लाभ पहुंचाया। मेरी उत्सुकता तत्काल जाग गई और मैंने पूछा, वह कौन सा सिद्धांत था? आपने हम सभी प्रशिक्षण लेने वालों को एक छोटी सी कविता याद करवाई थी, हमारी दुनिया किस तरह की होती है, अगर इसमें सब लोग मेरी ही तरह व्यवहार करते, तब से मैं इसी पंक्ति के सहारे जिया हूँ। अब मैं पूछता हूँ, हमारा स्टोर किस तरह का स्टोर होता अगर हर मैनेजर मेरी तरह होता? इस पंक्ति ने मेरे करियर में चमत्कार कर दिया और उन सैकड़ों मैनेजरों के करियर में भी जो मेरे प्रति जवाबदेह हैं। हमारी कंपनी के हर मैनेजर को सिखाया जाता है कि वह अच्छे उदाहरण पेश करके अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करे। क्या यह उदाहरण किसी खास तरह के होते हैं? मैंने पूछा। मैं 3 क्षेत्रों पर जोर देता हूं, उसने जवाब दिया। पहला है ग्राहक की परवाह करने का उदाहरण। हमारे सभी मैनेजर हर दिन कुछ समय तक ग्राहकों की सेवा करते हैं। इससे कर्मचारियों को मदद मिलती है। आखिर इन लोगों को बेचने की कला में प्रशिक्षित करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उन्हें यह सिखाया जाए कि किस तरह बेचा जाता है। इसके अलावा अगर कर्मचारियों के मनोबल के लिए भी बहुत अच्छा रहता है जब वे देखते हैं कि मैनेजर, और मेरा मतलब है कि सभी मैनेजर, सुलझा रहे हैं, पैकेट बांध रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं। यह हमारे मैनेजरों के लिए भी अच्छा है क्योंकि वे बिजनेस से हर दिन सीधे जुड़े रहते हैं। अब दूसरा उदाहरण है, मेरे CEO मित्र ने आगे कहा, अपने सामान के प्रति सम्मान दिखाने का उदाहरण। इसका मतलब है हमारे सामान, धन, जुड़ी हुई वस्तुओं और यंत्रों के प्रति सम्मान दिखाना। जब कोई मैनेजर सामान को सावधानी से संभालता है और उसे सही तरीके से रखता है तो कर्मचारी भी ऐसा ही करेंगे। सामान को किस तरह से आकर्षक दिखाया जाए, इस बात का एक व्यावहारिक प्रत्यक्ष उदाहरण 4 पेज के निर्देश से अधिक मूल्यवान साबित होता है। तीसरा उदाहरण क्या है? मैंने पूछा। मैं इसे प्रोफेशनल लुक का उदाहरण कहता हूं, मेरे मित्र ने जवाब दिया। यह महत्वपूर्ण है कि हमारे कर्मचारी समझदार और प्रोफेशनल दिखें। हमारे मैनेजर एक ड्रेस कोड निर्धारित करते हैं, प्रोफेशनल छवि बन सके, साफ सुथरी और सम्मानजनक छवि। आप सामान बेचने वाली टीम बनाने में ऐसे उदाहरण पेश करने में बहुत विश्वास करते हैं जिनका पालन करवाना चाहते हैं, मैंने कहा। एग्जीक्यूटिव ने जवाब दिया, बिल्कुल, मेरे विचार से यह सही नजरिए और योग्यताएं सिखाने का एकमात्र तरीका है। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसके द्वारा मैं आपको यह सिखा सकूं कि किस तरह जूते बांधे जाएं, सिवाय इसके कि मैं आपको जूते बांधकर यह दिखाऊं। और किसी को यह सिखाने का कोई तरीका नहीं है कि ग्राहक की सेवा कैसे की जाए, सिवाय इसके कि ग्राहक की सेवा करके दिखाई जाए। कदम 3, बोलो। नेतृत्व का संबंध बोलने से है। लीडर्स बोलते हैं। बहुत बड़े लीडर्स के बारे में सोचें। चर्चिल बोलने में प्रवीण थे। रूजवेल्ट बेहतरीन वक्ता थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर लाखों लोगों को मंत्रमुग्ध कर सकते थे। महान थे। अपनी पुस्तक मीन काफ में
वे लीडरशिप से संबंध बोलने की कला के महत्व को समझाते हैं। वे कहते हैं, मैं जानता हूं कि लिखे हुए शब्द की तुलना में बोले हुए शब्द से लोगों को जीतना ज्यादा आसान होता है और इस दुनिया की हर महान मुहिम महान वक्ताओं के कारण खड़ी हुई है, न कि महान लेखकों के कारण। बिजनेस सम्मेलनों और बैठकों में स्वेच्छा से बोलने वाले लोगों को ज्यादा जिम्मेदारियों से भरे पद दिए जाते हैं, परंतु बहुत कम लोगों में अपने विचार व्यक्त करने का आत्मविश्वास होता है। मैंने हाल ही में एक दोस्त के साथ लंच किया जो तीव्र प्रगति कर रही एक कंपनी का चेयरमैन है। उसने मुझे बताया, मेरे साथ एक समस्या है, मेरे बोर्ड में 15 डायरेक्टर हैं, हम साल में 4 बार मिलते हैं, परंतु सिर्फ 3 या 4 डायरेक्टर ही बोलते हैं। बाकी लोगों का मुंह खुलवाने के लिए मुझे उनसे व्यक्तिगत रूप से सीधे सवाल पूछना पड़ते हैं, जैसे जो बारे में क्या सोचते हैं। मैंने अपने मित्र को विश्वास दिलाया कि सहयोग का अभाव आमतौर पर सभी बैठकों में होता है। मैंने बताया कि अगर आपके पास 10 से 20 लोग होते हैं तो सिर्फ 25% के लगभग ही अपनी तरफ से कुछ कहेंगे, बाकी 75% लोग वहां पर सिर्फ बैठे रहेंगे। मैंने अपने मित्र से एक और बात कही, किसी मीटिंग में चुप बैठने वाले लोग बाद में 2 या 3 के समूह में अपनी बात कहते हैं। जो लोग औपचारिक बैठक में कुछ नहीं बोलते उनके पास हमेशा ऑफिस की बैठकों के बाद, लंच में या नौकरी के घंटों के बाद कहने को बहुत कुछ होता है। उस पिछली मीटिंग को याद कीजिए जिसमें आपने भाग लिया हो, शायद मैनेजरों या सेल्स मैनेजरों या सेल्समैनों या क्लब के सदस्यों की मीटिंग। शायद सिर्फ थोड़े लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए होंगे और इसकी संभावना बहुत है कि बैठक में चुपचाप रहने वाले लोग बाद में 2 या 3 के समूह में खड़े होकर इस तरह की बातें कर रहे होंगे। काश किसी ने यह सुझाव दिया होता, या किसी ने बॉस को उस समस्या के बारे में क्यों नहीं बताया जो हमें नए सुरक्षा सिस्टम के साथ आ रही है, या काश किसी ने इस बारे में कुछ कहा होता। जिस वजह से ज्यादातर लोग बोलने के लिए खड़े नहीं होते उसे एक शब्द में बताया जा सकता है, डर। हंसी उड़ने का डर, मूर्ख दिखने का डर, कोई विवादास्पद बात कहने का डर, अपनी काल्पनिक कमियों के डर के कारण लोग खामोश रहते हैं। सबके सामने कुछ कहने के लिए साहस और आत्मविश्वास की जरूरत होती है। कुछ लोग पुरानी कहावत में विश्वास करते हैं, यह बेहतर है कि आप चुप रहें और लोग आपको मूर्ख समझें, बजाय इसके कि आप अपना मुंह खोलें और आपकी मूर्खता साबित कर दें, परंतु यह कहावत हमें भ्रमित करती है। अगर आप चुप रहेंगे तो आप प्रभाव बढ़ाने के अपने अवसरों को बहुत कम कर देंगे। सफलता के लिए कोई और योग्यता उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी कि दूसरे लोगों के सामने बोलने की, उनका ध्यान खींचने की और उन्हें अपने दृष्टिकोण का विश्वास दिलाने की। हमारा शिक्षा तंत्र आमतौर पर सफलता की इस आवश्यकता की तरफ ध्यान नहीं देता। यह संभव है कि कोई व्यक्ति दर्जनों विषयों में PhD की डिग्री ले ले, जिसमें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी शामिल है, और उसे कभी बोलने के संबंध में मार्गदर्शन न मिले। बहरहाल यह बात तय है कि जब तक आप अपनी बात को सकारात्मक तरीके से व्यक्त नहीं करते हैं तब तक आप अपने क्षेत्र के शिखर पर नहीं पहुंच सकते हैं। यहां आगे 6 मार्गदर्शक सिद्धांत बता रहा हूं, जो बोलने की आदत डालने में आपकी मदद करेगी। पहला, बोलिए। जिस भी मीटिंग में आप भाग ले रहे हैं उसमें सवाल करें, विचार व्यक्त करें, कोई व्यक्तिगत अनुभव बताएं या किसी तरह से कुछ न कुछ कहें। बोलने से आपकी अलग पहचान बनेगी, आप खुद को उन 75% लोगों से अलग कर लेंगे जो मीटिंग में कुछ नहीं बोलते। जब उनसे कोई सीधा सवाल पूछा जाता है वे सिर्फ हाँ, नहीं, मैं नहीं जानता, मुझे सब ठीक लगता है जैसा कोई जवाब बुदबुदा देते हैं। मीटिंग का चेयरमैन विचारों, सुझावों और मदद करने वाले टिप्पणियों की तलाश में है। जब आप अपनी तरफ से अपने विचार रखते हैं तो आप लीडरशिप के गुण का प्रदर्शन करते हैं जिसका आपको पुरस्कार मिलेगा। खुद से कहें, मैं जिस मीटिंग में भाग लूंगा उसमें कुछ न कुछ जरूर कहूंगा। अपनी टिप्पणियों को सकारात्मक तरीके से व्यक्त करें।
अपनी बात के पहले इस तरह की कोई टिप्पणी करके उसे कमजोर न करें। मेरे पास एक विचार है, यह शायद काम नहीं करेगा, परंतु अपना सुझाव देने से पहले उसे महत्वहीन न बनाएं। क्या आप उस सेल्समैन से कार खरीदेंगे जो कहता है आपको शायद यह कार पसंद नहीं आएगी, परंतु फिर भी चलिए और इसे देख लीजिए। तीसरा, ईमानदारी से बोलें। जब चर्चिल ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के लोगों को संबोधित किया था तो उन्होंने सच्चाई बताई थी। उन्होंने यह वायदा किया था कि जीतने के लिए खून, पसीने, मेहनत और आंसुओं की जरूरत होगी। महान कॉरपोरेट लीडर्स जब मुश्किल के समय में कंपनियों का नेतृत्व करते हैं तो वे भी यह वायदा करते हैं, दोबारा पटरी पर आने की राह मुश्किल होगी। कुछ भावी लीडर सफलता के लिए आसान राह का वायदा करते हैं, परंतु लोगों को सच्चाई कुछ भावी लीडर सफलता के लिए आसान राह का वायदा करते हैं परंतु लोगों को सच्चाई जानना सबसे अच्छा लगता है। जो फुटबॉल कोच अपनी टीम को बताता है इस मैच को जीतना केक खाने की तरह आसान होगा, वह निश्चित रूप से मुश्किल में पड़ने वाला है। एक बार आप अपनी विश्वसनीयता खो दें, एक बार अगर लोगों को यह महसूस हो जाए कि आप सच नहीं बोल रहे हैं तो वे आपकी हर बात में विश्वास खो देते हैं, चाहे आप अगली बार सच ही क्यों न बोल रहे हो। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मन सैनिकों से कहा गया था कि ब्रिटिश सैनिक तो महिलाओं की तरह है और फ्रांसीसी सेना के दिमाग में तो सिर्फ औरतें और शराब के विचार ही भरे रहते हैं। जब युद्ध में जर्मन सैनिकों का सामना फ्रांसीसी और ब्रिटिश सैनिकों से हुआ तो उन्हें जल्दी ही यह मालूम चल गया कि उन्हें जो बताया गया था वह सच नहीं था। जल्दी ही यह स्थिति आ गई कि वे हर बात पर अविश्वास करने लगे। पिछली कटौती करें। जिन कंपनियों ने समझौते की मेज पर पूरे तथ्य रखे उन्हें कम दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सच बोलने वाली कंपनियों के कर्मचारियों ने तनख्वाह में कटौती या काम करने के कई घंटों को स्वीकार कर लिया, परंतु जिन कंपनियों ने आर्थिक आंकड़ों का गलत विश्लेषण करके अपने कर्मचारियों को मूर्ख बनाने की कोशिश की उन्हें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। सबक यह है, अगर आप लोगों को सच बता देते हैं तो वे आपका समर्थन करेंगे, अगर आप उनसे झूठ बोलते हैं तो लोग आपका साथ छोड़ देंगे। टीचर्स, अगर अगले हफ्ते होने वाली परीक्षा में कठिन सवाल पूछे जा रहे हैं तो विद्यार्थियों को पहले से ही कठिनाई के स्तर के बारे में बता दें ताकि वे बेहतर तैयारी कर सकें। सुपरवाइजर्स, अगर ओवरटाइम की जरूरत हो तो कर्मचारियों को बता दें कि अतिरिक्त काम क्यों आवश्यक है, तथ्य जानने के बाद वे आपका सहयोग करेंगे। एग्जीक्यूटिव्स, अगर कंपनी आर्थिक परेशानी में है तो शेयर होल्डरों और डायरेक्टरों को सच्चाई बता दें, हकीकत जानने पर वे आपकी आर्थिक सुधार संबंधी योजनाओं का समर्थन करेंगे। अगर आप उनसे झूठ बोलेंगे तो आपके प्रति उनका द्वेष बढ़ेगा और यह भी हो सकता है कि वे आपसे कंपनी छोड़ने को कहें। माता पिता, जब आप अपने बच्चों को बताते हैं कि किसी महत्वपूर्ण काम में लगन, मेहनत और त्याग की जरूरत है तो आप लीडरशिप के सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। चौथा, आलोचना का सामना सकारात्मक तरीके से करें। आलोचना होना या खिल्ली उड़ना किसी को भी पसंद नहीं आता। जनता के बीच गलतियां करना अपमानजनक होता है। मूर्ख दिखने के बड़े डर में बहुत से छोटे छोटे डर शामिल हैं। उच्चारण और व्याकरण की गलतियां करने का डर, क्या बोलना है यह भूल जाने का डर, किसी को चोट पहुंचाने का डर और बाद में लोगों द्वारा आलोचना की उम्मीद करना। इसे तारीफ की तरह स्वीकार करें। याद रखें, अमेरिका में जिस आदमी की सबसे ज्यादा आलोचना होती है वह कोई आतंकवादी या जनशत्रु नहीं है। जिस व्यक्ति की सबसे ज्यादा आलोचना होती है वह राष्ट्रपति होता है। न सिर्फ कुछ पत्रकार राष्ट्रपति की कही हर बात की बुराई करते हैं बल्कि अज्ञानी और निकम्मे लोग भी उनकी जमकर आलोचना करते हैं, क्योंकि वह उन्हें कुछ नहीं के बदले में कुछ क्यों नहीं देते। बिजनेस में कोई भी गेटकीपर की आलोचना नहीं करता, परंतु बहुत से लोग बोर्ड के चेयरमैन की बातों और कामों की खामियां निकालते हैं। इसलिए खुश हों कि आपकी आलोचना हो रही है, यह इस बात का प्रमाण है कि आप विश्वास कर रहे हैं। फायरिंग लाइन में वही रहते हैं जो मजबूत होते हैं, इसलिए गर्व का फायरिंग लाइन में वही रहते हैं जो मजबूत होते हैं इसलिए गर्व का अनुभव करें। नंबर 5, जानकारी दें, प्रेरित करें, परंतु कभी आक्रमण न करें।
सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने वाले भाषण में जानकारी और प्रेरणा का अच्छा समावेश होता है। अच्छा भाषण कभी किसी दूसरों के विचारों पर आक्रमण नहीं होता, चाहे किसी और वक्ता ने आपके विचारों के विपरीत कुछ कहा हो, परंतु कभी भी आक्रमण न करें या उसे गलत साबित करने की कोशिश न करें। रचनात्मक होने में लाभ होता है। एक एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव ने मुझे बताया कि किस तरह उसकी एजेंसी ने कई लाख डॉलर का बीवरेज अकाउंट हासिल किया। 3 अन्य एजेंसियों को उनकी योजना प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया था। ग्राहक ने मुझे अपनी योजनाएं बताई। उसने मुझसे कहा, अगर आपको लगता हो कि ऐसा करने से आपकी योजनाओं को बल मिलेगा तो आप अपने प्रतिद्वंदियों की रणनीति में सिर्फ इतना कहा, आप जिन दूसरी एजेंसियों के बारे में विचार कर रहे हैं उनमें भी अच्छे और रचनात्मक कर्मचारी हैं, परंतु हमारी रणनीति अनूठी है, इसलिए मैं उनसे अपनी तुलना नहीं करूंगा। फिर मैं अपनी योजना बताने लगा। मेरी प्रस्तुति सबसे अलग हटकर थी। अगर मैंने यह साबित करने की कोशिश की होती कि हमारी एजेंसी सर्वश्रेष्ठ थी तो मैंने बहस का दरवाजा खोल लिया होता। अपने प्रतिद्वंदियों पर आक्रमण करने से इनकार करके मैंने विवाद को टाला और अकाउंट हासिल कर लिया। याद रखें, छोटी मानसिकता वाले लोग अपने मुक्कों और डंडों से लड़ते हैं, घटिया मानसिकता वाले लोग उनसे थोड़ा सिर्फ ऊपर होते हैं और अपने मुंह से लड़ते हैं। सचमुच बड़ी मानसिकता वाले लोग कभी नहीं लड़ते। जब आप कहते हैं कि आपकी योजना किसी दूसरे से बेहतर है या जब आप आक्रमण करते हैं तो निर्णय लेने वालों में से कुछ लोग आपके प्रतिद्वंदी के समय वाले लोग कभी नहीं लड़ते। जब आप कहते हैं कि आपकी योजना किसी दूसरे से बेहतर है या जब आप आक्रमण करते हैं तो निर्णय लेने वालों में से कुछ लोग आपके प्रतिद्वंदी के समर्थन में एकजुट हो जाएंगे। अपने प्रतिद्वंदियों को नीचा दिखाए बिना अपनी योजना को सकारात्मक तरीके और ईमानदारी से समझाएं। कभी भी, हाँ कभी भी, मंच का प्रयोग किसी दूसरे को नीचा दिखाने के लिए न करें। इससे सिर्फ युद्ध शुरू होता है जिसमें आप हार भी सकते हैं। 1984 में राष्ट्रपति रीगन का चुनावी अभियान इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि प्रतियोगिता का सामना किस तरह किया जाए। राष्ट्रपति ने अपने प्रतियोगी का नाम तक नहीं लिया। रीगन किसी के विपक्ष में नहीं लड़ रहे थे। उन्होंने अपनी सारी शक्ति सकारात्मक कार्यक्रम के पक्ष में लड़ने के लिए एकाग्र कर ली और उन्हें रिकॉर्ड संख्या में वोट मिले। चाहे विचार हो या प्रोडक्ट, किसी भी चीज को बेचने में आप सारी शक्ति सकारात्मक कार्यक्रम के पक्ष में लड़ने के लिए एकाग्र कर ली और उन्हें रिकॉर्ड संख्या में वोट मिले। चाहे विचार हो या प्रोडक्ट, किसी भी चीज को बेचने में आपका 100% प्रयास इस पर एकाग्र करें कि आप जो दे रहे हैं उसमें क्या अच्छा है। कभी भी अपने प्रतियोगी के विचारों का या प्रोडक्ट की आलोचना न करें। जो टीवी विज्ञापन बताते हैं कि किस तरह प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट सी से बेहतर है, दरअसल वे बी या सी प्रोडक्ट का मुफ्त विज्ञापन कर रहे हैं। नंबर 6, आसान शब्द बोलें। कन्फ्यूशियन ने कहा है, महान व्यक्ति कभी बचपन की सादगी नहीं खोता। राल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा था, महानता से अधिक सादगीपूर्ण कुछ नहीं है। दरअसल सादगीपूर्ण होना ही महान होना है। जिस तरह किसी मशीन में एक भी अनावश्यक पुर्जा नहीं होता, उसी तरह आप जो कह रहे हैं उसमें एक भी है। इसके बजाय सादगी से बोलें ताकि कोई बच्चा भी आपकी बात का मतलब समझ सके। कभी भी मंच का प्रयोग यह दिखाने के लिए न करें कि आप कितने स्मार्ट या शिक्षित हैं। इमर्सन के सिद्धांत पर चलें, अपने हर काम को आसान बना दें। ओलंपिक गोताखोर चैंपियन किसी जटिल गोते का प्रदर्शन करते समय अनावश्यक मांसपेशियों का इस्तेमाल नहीं करते। जादूगर अपने जादुई कारनामों को इतना आसानी से करते हैं कि हर बच्चे को लगता है कि वह भी इसे कर सकता है। पुरस्कार जीतने वाले अभिनेता इतनी ज्यादा कड़ी मेहनत करते हैं कि लगता ही नहीं है कि जैसे वे अभिनय कर रहे हैं। कदम 4, दूसरों को अपनी मदद करने दें। कैलिफोर्निया में एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के प्रमुख ने बताया कि उन्होंने अपने करियर में प्रगति करने के लिए सहयोगी प्रबंधन का किस तरह प्रयोग किया। उनका अनुभव दूसरों का नेतृत्व करने का अच्छा उदाहरण है। नौसैनिक अकादमी से स्नातक होने के बाद मैंने एयरक्राफ्ट करियर में जूनियर इलेक्ट्रॉनिक्स
ऑफिसर के रूप में पहली नौकरी की। तत्काल ही मुझे पता चल गया कि मैं तकनीकी पहलू के बारे में बहुत कम जानता था, परंतु मैंने यह भी जान लिया कि मेरे अधीन कई छोटे अफसर थे जो अनुभवी थे, इसलिए मैं हर दिन उनके साथ बैठता था, दिन भर की गतिविधियों की योजना बनाता था और फिर उनसे उनके विचार पूछता था कि किस तरह आगे बढ़ा जाए। उनकी प्रतिक्रिया जबरदस्त थी। बाद में मुझे पता चला कि मुझसे पहले जो आदमी जूनियर ऑफिसर था वह कभी उनके विचार पूछता ही नहीं था। सहयोग की मेरी शैली उन्हें बहुत पसंद आई। नौसेना से मुक्त होने के बाद मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में नौकरी करने लगा। एक बार फिर मैंने जल्दी ही यह महसूस कर लिया कि मुझे अब सुनिश्चित कर सकता हूं कि काम पूरा हो और अच्छी तरह से पूरा हो। मुझे बहुत जल्दी प्रमोशन मिले। 2 साल पहले मुझे कंपनी का प्रेसिडेंट बनाया गया। तब मैं 37 साल का था। मैं अपनी सफलता का श्रेय लीडरशिप के एक गुण को देना चाहता हूँ, चिंतन और योजना बनाने में लोगों को सहयोग देने के लिए प्रेरित करना। यह रहे कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत जिनके माध्यम से आप दूसरों की मदद हासिल कर सकते हैं। पहला, प्रशंसा को धन की तरह माने, इसका निवेश करें। लीडर्स कभी प्रशंसा के भूखे नहीं होते। सच्चा लीडर प्रशंसा मिलने पर इसका निवेश हमेशा अपने समर्थकों में करता है। स्मार्ट फुटबॉल कोच जीत का श्रेय कभी खुद नहीं लेता, वह इसका श्रेय टीम को देता है। इससे टीम अगले सप्ताह और ज्यादा मेहनत से खेलने की कोशिश करेगी। इसलिए जब आपको बधाई या पुरस्कार मिले तो हमेशा उस प्रशंसा को ग्रहण करें, और फिर अपने समर्थ पुरस्कार मिले तो हमेशा उस प्रशंसा को ग्रहण करें और फिर अपने समर्थकों का मनोबल बढ़ाने के लिए इसका निवेश करें। अगर आप सेल्स मैनेजर हैं और आपकी सेल बढ़ जाए तो इसका श्रेय स्वयं न लें, इसका श्रेय अपने सेल्समैनों को दें। अगर आप प्रोडक्शन मैनेजर हैं और आप अपने लक्ष्य से अधिक उत्पादन करते हैं तो काम करने वालों की प्रशंसा करें, अपने को मिलने वाली प्रशंसा से अधिक लाभ हासिल करें। लीडर्स कभी प्रशंसा के भूखे नहीं होते। जिस तरह समझदारी से किए गए धन के निवेश से अधिक धन मिलता है, उसी तरह सहयोगियों में प्रशंसा का निवेश करने से वे अगली बार बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित होते हैं। नंबर 2, अगर गड़बड़ हो जाए तो 100% जिम्मेदारी लें। लीडर स्पष्ट रूप से समझता है कि आप काम करने की सत्ता या शक्ति तो किसी दूसरे को सौंप सकते हैं, परंतु परिणाम की जिम्मेदारी दूसरों पर नहीं डाल सकते। 1984 में बेरूत में एक आतंकवादी ने 312 नौ सैनिकों को मार डाला। कमांडर इन चीफ होने के नाते राष्ट्रपति रीगन ने समझदारी का प्रदर्शन करते हुए इस त्रासदी की पूरी जिम्मेदारी ली। अगर उन्होंने मैरीन कार्प्स के कमांडर को दोष दिया होता तो उनका व्यवहार लीडरों जैसा व्यवहार नहीं होता और राष्ट्रपति पर गंभीर दोषारोपण भी किया जाता। वे आप पिग्स एक दुर्घटना थी। राष्ट्रपति कैनेडी के कुछ सहयोगियों ने उन्हें सुझाव दिया कि वे असफलता के लिए आइजनहावर प्रशासन को दोष दे, क्योंकि ज्यादातर योजना कैनेडी के राष्ट्रपति बनने से पहले बनी थी, परंतु कैनेडी ने लीडरशिप का प्रदर्शन किया और अमेरिकी जनता से कहा, मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। इसके बाद असफलता की आलोचना बहुत कम हो गई। राष्ट्रपति निक्सन ने वाटरगेट प्रकरण के दौरान जिम्मेदारी के नियम की अवहेलना की, इसलिए उनके सामने 2 ही विकल्प थे, या तो इस्तीफा दें या फिर महाभियोग का सामना करें। अगर उन्होंने अमेरिकी जनता से कहा होता, मैं घुसपैठ और घटिया चालों की जिम्मेदारी स्वीकार करता हूं, तो वे अपनी कुर्सी बचा सकते थे, परंतु हठधर्मिता का परिचय देते हुए उन्होंने दूसरों को दोष देने की कोशिश की और इसका परिणाम यह हुआ कि इतिहास उनके अच्छे कामों के बजाय उन्हें सिर्फ उनकी गलतियों के लिए याद रखेगा। जब स्थिति बिगड़ जाए तो अपने समर्थकों को दोष न दें, इससे आप छोटे और कमजोर नजर आते हैं। इसके बजाय बड़प्पन का प्रदर्शन करें। यह स्वीकार करें कि आपके अधीनस्थों ने नहीं बल्कि आपने लापरवाही की है। बड़प्पन का प्रदर्शन करके आप यह सिद्ध करेंगे कि आप लीडर हैं। नंबर 3, दूसरे लोगों के मस्तिष्कों को संगठित करें। महान लीडर्स लोगों का अध्ययन करते हैं और लोगों का ज्ञान वह सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है जिसकी जरूरत आपको सफलता, दौलत और सुख हासिल करने के लिए होती है। नजर बने, काम का ज्ञान इतना महत्वपूर्ण नहीं है। आप कंप्यूटर को प्रोग्राम कर सकते हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि आप डिपार्टमेंट भी चला सकते हैं। हो सकता है
आप जानते हो कि कैसे बेचा जाता है, परंतु हो सकता है इसके बावजूद आप सेल्स मैनेजर बनने के लिए अयोग्य हों। हो सकता है कि किसी को स्कूल में 4 ग्रेड पॉइंट मिले हों, परंतु फिर भी वह लीडर न हो। देखिए, ज्ञान अपने आप में शक्ति नहीं है, यह शक्ति का कच्चा माल है और इसे सही रास्ते पर ले जाने की आवश्यकता होती है। इस बात की संभावना है कि आप बहुत ज्ञानी लोगों को जानते होंगे जो किसी बॉय स्काउट ट्रूप का नेतृत्व न कर सके या किसी नागरिक क्लब के प्रभावी प्रेसिडेंट साबित न हो सके। लीडरशिप दूसरों के ज्ञान का दोहन, संयोजन और सम्मिलन है। एक बार फिर, लीडरशिप का संबंध लोगों के मनोविज्ञान से है। काम या नौकरी के करें, मान लीजिए आप किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं। खुद को तैयार करने के लिए आप हर उस विषय को पढ़ाने का फैसला करें जो यूनिवर्सिटी पढ़ाती है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी तैयारी पूरी होने से पहले आप कम से कम 2500 साल बूढ़े हो जाएंगे। या मान लीजिए आपका लक्ष्य जनरल मोटर का CEO बनना हो, सबसे ऊंचे पद की तैयारी करने के लिए आप फैसला करते हैं कि आप इस कंपनी में होने वाले हर काम में पारंगत हो जाएंगे। एक बार फिर, आपकी तैयारी पूरी होने तक आप कम से कम 2500 साल बूढ़े हो जाएंगे। लीडर में यह योग्यता होना चाहिए कि वह ऐसे लोगों को मैनेज कर सके जिनमें उससे अधिक विशेषज्ञ ज्ञान होता है। प्रभावी लीडर बनने के लिए लोगों के अध्ययन पर अपना ध्यान एकाग्र करें, किस तरह उन्हें सहयोग देने, सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने और व्यक्तिगत त्याग करने के लिए प्रेरित किया जाए। कदम 5, जोखिम लें और प्रशंसा हासिल करें। कुछ साल पहले क्लीवलैंड से कोलंबस की छोटी सी उड़ान में मेरे पास वाली सीट पर असाधारण ईसाई दार्शनिक डॉक्टर रॉबर्ट शुलर बैठे थे। उन्होंने एक विचारोत्तेजक बात कही जिसमें एक महान लीडरशिप सबक छुपा है। उन्होंने कहा, ऐसा क्यों होता है कि जब अधिकांश लोग एक दूसरे से विदा लेते हैं तो वे कहते हैं, अपना ध्यान रखना। हमारा देश उन लोगों ने बनाया है जिन्होंने जोखिम लिया है, उन लोगों ने नहीं बनाया जिन्होंने अपना ध्यान रखा है। संभावनाओं को सच्चाइयों में बदलने के लिए हमेशा जोखिम उठाना पड़ता है। यह लीडरशिप का बेहद महत्वपूर्ण सिद्धांत है। के लिए और भी ज्यादा जोखिम लेने की जरूरत होती है। क्या लोग हमारे प्रोडक्ट को पसंद करेंगे? क्या कर्मचारी ठीक तरह से काम करेंगे? क्या हमारा निवेश सफल होगा? यह जोखिम से जुड़े कुछ सवाल हैं जिनका सामना हर बिजनेस शुरू करने वाले को करना पड़ता है। सभी महान उपलब्धियां जोखिम लेने वालों ने हासिल की है। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने जब प्रथम मानवीय हृदय का प्रत्यारोपण किया तो उन्होंने सर्जन के रूप में अपनी प्रतिष्ठा का जोखिम लिया। ली आयाकोका ने क्राइसलर कॉरपोरेशन को पुनर्जीवित करने के अपने सफल प्रयास में अत्यधिक जोखिम लिया। और डॉक्टर नॉर्मन विनसेंट पील ने जब दुनिया को बदलने वाली पुस्तक द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग लिखी तो उन्होंने चर्च से बर्खास्त होने का जोखिम उठाया था। दुर्भाग्य से शिक्षा का पूरा जोर इस बात पर रहता है कि जोखिम से किस तरह बचा जाए, इस बात पर नहीं कि जोखिम लेकर किस तरह लाभ उठाया जाए। हमारे बिजनेस स्कूलों से जितने जोखिम लेने वाले बिजनेसमैन बाहर निकलते हैं उनसे 5 गुना अधिक लोग कर्मचारी बनकर निकलते हैं। और मैंने खुद यह देखा है कि प्रोफेसर जोखिम लेकर सफलता पाने के बजाय जोखिम से बचने की 5 गुना अधिक कोशिश करते हैं। एक फुटबॉल कोच ने स्पष्ट किया कि उसने एक रणनीति का प्रयोग करने का फैसला किया जिसके परिणाम स्वरूप हमारी टीम मैच हार गई और कॉन्फ्रेंस चैंपियनशिप नहीं जीत पाई। हमने मैच शुरू होने के 30 सेकंड में ही स्कोर कर लिया था। इससे हम दूसरी टीम से सिर्फ 1 पॉइंट पीछे थे। अब मुझे उस साल का सबसे बड़ा निर्णय लेना था, क्या हम लगभग निश्चित 1 पॉइंट हासिल करें जिससे हम मैच ड्रा कर लेते और कॉन्फ्रेंस चैंपियनशिप भी ड्रा कर लेते, या फिर हम अधिक जोखिम भरे 2 पॉइंट की रणनीति की कोशिश करें। यह तय था, अगर 2 पॉइंट वाली रणनीति सफल नहीं हुई तो हम मैच हार जाएंगे और कॉन्फ्रेंस चैंपियन। मुझे याद है आपने उस मैच में 2 पॉइंट वाली रणनीति अपनाई। मैंने बीच में कहा, हाँ, और यह असफल हुई इसलिए हम हार गए। कोच ने आगे कहा,
परंतु मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। रणनीति के असफल होने से ठीक पहले हमने टाइम आउट लिया और क्वार्टरबैक ने मुझसे कहा, मैदान में उतरा हर खिलाड़ी चाहता है कि हम 2 पॉइंट जीतने की कोशिश करें, हम यहाँ जीतने के लिए आए हैं। मेरे उस निर्णय की काफ़ी आलोचना हुई, जिसकी वजह से हमारे हाथ से मैच और चैंपियनशिप चली गई। हजारों प्रशंसक दुखी थे, परंतु हर खिलाड़ी खुश था कि हमने कोशिश की, और कोच होने के नाते मैं हमेशा खिलाड़ियों को पहले स्थान पर रखता हूँ। मैं उनका जीवन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमने वह मैच 13 साल पहले खेला था और उन सालों में कई बार उस मैच में खेलने वाले खिलाड़ियों ने मुझे बताया कि उस दिन उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक सीखा था। इससे उन्हें साहस का अर्थ समझने में मदद मिली। जरा सोचिए, आपने कितनी बार लोगों को यह कहते सुना है, काश मैंने अमुक कंपनी में निवेश किया होता, या काश मैंने फलां कंपनी में नौकरी कर ली होती, या काश मैंने अमुक काम कर लिया होता। सच तो यह है कि लोग जो कहते हैं काश मैंने वह किया होता, जो मैंने नहीं किया, वे सब दुखी होते हैं। परंतु जो आदमी सफलता, दौलत और सुख चाहता है, वह अपने उस साथी से ज़्यादा जोखिम लेता है जो औसत जिंदगी जीने का चुनाव करता है। जोखिम लेने से आपको यह जानने में मदद मिलती है कि आप में कितना दम है। याद रखें, बिना कोशिश के सफलता नहीं मिलती। एक शौकिया लेखक ने मुझे बताया, अरे मैंने किसी प्रकाशक के यहाँ कभी कोई पांडुलिपि नहीं भेजी, शायद वह इसे छापने से मना कर देता। एक युवक ने बताया कि वह सेलिंग लाइन में क्यों नहीं गया, कहता है उसने कोशिश करने का जोखिम नहीं उठाया। कई लोग बताते हैं कि उन्होंने अपनी नौकरियां क्यों नहीं बदली। नौकरी बदलने का अर्थ होता है जोखिम और अनिश्चितता। जोखिम लेने का अर्थ जुआ खेलना नहीं है। जब आप जोखिम लेते हैं तो परिणाम पर आपका थोड़ा बहुत नियंत्रण होता है। जब आप जुआ खेलते हैं तो परिणाम पर आपका कोई नियंत्रण नहीं होता। हाल ही में मैं डेट्राइड में जैक डब्ल्यू से मिला। जैक जनरल मोटर में 17 साल तक इंजीनियर के रूप में काम कर चुका है। मेरी नौकरी ठीक ठाक है, परंतु मैं इसमें अपना 100% नहीं दे पाया। मैं कई सालों से अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहा हूँ, परंतु मुझे हमेशा एक न एक अच्छा कारण मिल जाता था कि मुझे ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। पर्याप्त धन का अभाव, असफल होने का डर, परिवार को आमदनी के सुनिश्चित साधन की आवश्यकता, इसी तरह के बाहर मेरी पत्नी ने मुझसे छलांग लगाने को कहा, आप सुखी नहीं हैं। उसने मुझे विश्वास दिलाया कि मैं यह कर सकता हूँ, इसलिए मैंने नौकरी छोड़ दी और अपनी खुद की इंजीनियरिंग कंपनी शुरू की। 2 साल तक स्टाफ के नाम पर सिर्फ मैं ही अकेला व्यक्ति था और मैंने अपनी सेवाएं उन कंपनियों को बेची जो सामान्य रूप से सुसज्जित वैन और मनोरंजक वाहन चाहती थी। आज मैं बहुत अच्छी स्थिति में हूँ। मैंने उसे बधाई दी कि उसमें निश्चितता को छोड़कर अनिश्चितता को चुनने का साहस था। परंतु मैं आपको कुछ और ही बताना चाहता हूँ, जैक ने आगे कहा, मुझे अपने काम पर नया गर्व, नया विश्वास है। मैंने सचमुच अपने बारे में बेहतर महसूस किया। एक और लाभ यह हुआ कि मुझे अपनी पत्नी, बच्चों और मित्रों से अधिक सम्मान मिला। लोग जोखिम लेने और खुद के दम पर काम करने के लिए मेरी प्रशंसा करते हैं। जो लोग को पहले स्थान पर रखते हैं और सुरक्षा को दूसरे स्थान पर, वे जानते हैं कि अगर रचनात्मक तरीके, समझदारी और लगन से जोखिम लिया जाए तो समय के साथ साथ आदमी को अपनी मनचाही सुरक्षा मिल जाती है। नेतृत्व करने के लिए इन सिद्धांतों का प्रयोग करें। पहला, उत्कृष्ट सोचें। जब आप हर काम में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं तो बहुत संतुष्टि मिलती है। औसत प्रदर्शन कभी पर्याप्त अच्छा नहीं होता। दूसरा, दूसरे आपके हर काम की नकल करते हैं, इसलिए ऐसे उदाहरण पेश करें जिनका आप अनुकरण करवाना चाहते हैं। नंबर 3, लीडरशिप के लिए बोलना अनिवार्य है। हर अवसर पर अपनी बात कहें, बोलने के डर को बोलकर जीतें। नंबर 4, आपको अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए दूसरों की मदद की जरूरत होती है, इसलिए उनका सहयोग हासिल करें। 5, उसका निवेश करें। 6, जब चीजें गड़बड़ हों तो 100% जिम्मेदारी लें। 7, दूसरों के ज्ञान को संगठित करें।
8. जोखिम लेने का साहस रखें। जोखिम लेना सफलता के लिए उतना ही अनिवार्य है जितना कि जीवन के लिए सांस लेना। धन्यवाद। आइए चलते हैं अध्याय 10 की तरफ, जो है सफलता और दौलत की 5 कभी न भूलने वाली कुंजियां। आपका दिन शुभ हो। वाली कुंजियां आपका दिन शुभ हो।